शराब पीना। ओह आ गया। यू आर लेट। मेरे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं? भैया? हाँ, भैया के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने ही मुझे पढ़ाई के लिए मामा के पास भेजा था। तुम्हारे भाई साहब करते क्या है? हार्डवेयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। चलो तुम्हें उनसे मिलवाते हैं। भैया भैया पहले भैया ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद ये है मेरे भैया ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन। यार ये तो भूकंप से भी बड़ा झटका है। बातचीत से तो एकदम मदर टेरेसा लग रही थी, लेकिन ये तो हिटलर की बहन निकली। तो ठीक है, पर आप वहाँ से निकले कैसे? बता रहा हूँ भैया, ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद दिस इज माय ब्रदर ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस मैन। हाउ डू यू? क्या रे रघु रोकड़ा, शरद बनकर तू मेरी छोटी बहन को उल्लू बना रहा है? आप किससे बात कर रहे हैं? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मुझसे? आप तुझसे रघु रोकड़ा। भैया ये क्या कह रहे हो, इनका नाम रघु रोकड़ा नहीं शरद है। अभी पता चल जाएगा कि ये शरद है। रघु रोकड़ा शरद, शरद। अरे शिवानी, ये मेरे लिए 10% पर काम करने वाला रघु रोकड़ा है, कोई शरद वाला नहीं है ये। शरद ये आप क्या कह रहे हैं भैया, इसे मामा जी के दोस्त गोपाल राव जी ने भेजा था। मैंने इसका ऑफिस देखकर इसके 100 टेस्ट लेकर इसे चुना और आपने सारे किए गए का पानी पी लिया। अगर किसी लड़के को पता चल गया कि मैं आपकी बहन हूँ तो कोई पढ़ा लिखा लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। कितने दिन में ये जताती रही कि मुझे गुंडों से नफरत है, कितनी मुश्किल से पढ़ाया था और आपने सब गड़बड़ कर दिया। गुंडों का और बातें गांधी की लिखी, इसके मुंह पे पानी मारो, जगा इसको। शरद आर यू ओके? आपने तो कहा था कि ये हार्डवेयर बिजनेस में है, तो ये गन क्यों और ये रघु रोकड़ा कौन? शहर का मशहूर गुंडा है। एकदम आपका डुप्लीकेट। पर ये गन क्यों? यू नो भैया, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसलिए उन्हें हमेशा जान का खतरा रहता है, तो सिक्योरिटी के लिए गन रखी है। ये खतरे, ये गन्स, मैं कुछ समझा नहीं। और समझ भी मत। हार्डवेयर बिजनेस वालों के साथ मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। चलो रे। तू रात 10:30 बजे किधर था? काला चौकी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्रेडिट कार्ड की वसूली में एक एसीपी के साले को धमकी दे डाली थी, रात भर लॉकअप की आवाज आ रहा था। अच्छा? हाँ, एसीपी रमेश को फोन लगाओ। हाँ भाई। हाँ रमेश, तूने किसी रघु रोकड़ा को अंदर किया था क्या? खाली अंदर नहीं किया, ऐसी जगह मारा है कभी बैठ नहीं पाएगा। अच्छा ये बता कि तूने उसे वहाँ से कितने बजे छोड़ा? मैंने उसे ठीक 10:45 में छोड़ा भाई। पक्का ना? 100%। अरे रघु, पूरी रात जब उन लोगों ने लॉकअप में तेरी पुंगी बजाई, तब तूने उनको ये क्यों नहीं बताया कि तू ज्ञान भाई का आदमी है? तुझे लगता है ऐसा करके वो जिंदा बचेगा? जबरदस्ती का भूल वचन दे रहा। समझ में नहीं आ रहा किस पे भरोसा करूं, उस पे या इस पे। चलो रे, चलो निकलते हैं। फिर मिलते हैं रघु भाई। बच गए। ये साला, इन दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती कैसे? अरे मैं बताता हूँ ना भाई, पता है दशहरे वाले दिन मैंने टीवी पर एक पुरानी फिल्म देखी थी, उसमें एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली थी भाई। उस फैमिली में बहुत टाइम के बाद किंग कैट ट्विंस होते हैं। ये ट्विंस क्या होगा बच्चे भाई? अबे तुझे छोड़ गए, हिंदी बोल। उनके जन्म की खुशी में एक पार्टी होती है, तब एक तूफान आता है और सबको बहा ले जाता है। स्टोरी मुझे मालूम है। दो बच्चों में से एक टेंगू नरसिम्हा को मिला जो रघु रोकड़ा बन गया, और दूसरा अच्छे परिवार में पला जो मेरी बहन को पसंद आ गया, और वो है शरद। बिल्कुल सही भाई। जरा मुझे शरद का एड्रेस तो दे। अरे उसे कमीना रघु रोकड़ा समझकर मैंने उसकी इज्जत का भाजी पाला कर डाला, जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ। लंच टाइम पे कौन आ गया? दुनिया में तू ही एक शरण है क्या? रघु रोकड़ा भी तो दो है ना, इसलिए तो दूसरे को पुलिस स्टेशन में रात भर झूठे और डंडे पड़े। अरे शरद कौन है? मैं समझ गया, तो अकेला है, लेकिन पूरा डील सौंपे। बिल्कुल सही सर, ये दोनों मेरी लाइफ में एपिसोड नंबर 1 से हैं। लेकिन हम इनका क्या करो? कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी दादी मां आंधी और दादाजी सुन नहीं सकते।
ये तो भाई काम की फैमिली, दादी की आंखें नहीं, दादा के कान नहीं और तेरे पास भेजा नहीं, ये फैमिली आप ही के लिए बनी है सर। अरे बाबा ये सब कौन लोग हैं? फ्रेंड्स, मेरा नाम शरद है। अच्छा, ओहो, इस लल्लू की तरह तुम भी शरद हो। वैसे तुम सब फ्रेंड्स यहाँ क्यों आए हो? शरद को देखने के लिए लड़की का भाई आपके घर पर आ रहा है। अच्छा, ओह नो, वो जब तक तुम्हें देखने आएंगे तुम यहाँ घुस आओगे। अरे लल्लू सुन, लल्लू यहाँ याद रख, मैं देख नहीं सकती, ये सुन नहीं सकते, पर उन्हें मत बताना और तन के रहना लड़की वालों के सामने, अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों अंधे बहरे हैं तो वो भाग जाएंगे। सही कहा आपने। और एक बात, तुम मेरे साइड में बैठना ताकि मैं तुम्हें चुपके से इशारा कर सकूं और उन्हें शक भी नहीं होगा। लो, लगता है वो लोग आ गए, चलो चलो जल्दी जाके बैठ जाते। भैया यहाँ कैसे आ रहा हुआ? शरद कुमार ये भाई दिख रहा है, वो क्या है कि जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं, तभी तो आया हूँ ताकि तुमसे माफी भी मांग लूं और तुम्हारे परिवार वालों से भी मिल लूं। ये कौन है? शरद है। ये शरद है? ये भी शरद है मेरा दोस्त। अरे यार, वहाँ शक्लें मिलती थी, यहाँ नाम मिलते हैं, क्या करें यार। सही है, अपने घर वालों से तो मिलाओ। ये ज्ञानेश्वर जी है, अपनी शिवानी के भाई है, उस दिन के लिए माफी मांगने आए। तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अरे शरद, तुम मेरे पास बैठो। मैं मेरे बच्चे की तारीफ नहीं कर रही, पर ये हीरा है और तेरी माँ का भक्त। हाँ, भक्त है, भक्त है। दादा, दादी, मैंने शरद के लिए जो रिश्ता भेजा था ना, उसे कैंसिल ही समझो। उन लोगों ने शरद को बहुत गालियाँ दी, किसने आपको नहीं बताया, पर मुझे रो रो कर बता रहा था, भूल जाओगे, मैं इससे भी अच्छा रिश्ता ला कर दूंगा। अरे गोपाल राव, गुस्सा मत करो, होने वाली बहू का भाई माफी मांगने आया है। गोपाल राव जी नमस्ते। नमस्ते, आगे से अच्छी तरह सोच समझ कर बोला करो। अरे मैंने क्या कहा? छोड़ो। अच्छा ये कौन है? शरद है। ये भी शरद है? ये भी शरद है। शरद की आवाज़ कैसे बदल गई? मेरा लल्लू कहाँ है? मुझे सोच समझ कर मैनेज करना पड़ेगा। अरे साहब, आप तो सिर्फ नामों से परेशान हो गए, मैं तो फेस देखकर चक्कर खा गया था, इसीलिए तो मिस्टेक भी हो गई। शरद, तुम्हें देखकर एक बात दिमाग में आई है, तुम हैंडसम हो, तुम्हारे लिए भी एक लड़की ढूंढता हूँ। शरीफ आदमी होकर ऐसी बात करता है, बात पक्की होने के बाद दूसरे रिश्ते की बात कर रहा है। क्यों, हम दूसरा रिश्ता नहीं देख सकते? बिल्कुल नहीं। मगर क्यों नहीं देख सकते? मैं बताता हूँ क्यों नहीं देख सकता। चल बाहर चल। क्यों, कहाँ जा रहे हो? मुझे शरद के लिए इससे अच्छा रिश्ता देखेगा। लड़का क्यों दे रहे हो तुम? लड़का दिखने में स्मार्ट है, इसलिए मैंने कहा ज्यादा अच्छा रिश्ता देख लेता हूँ, इसमें बुराई क्या है? तू हमें सूट बूट में देख कर सॉफ्टवेयर डीलर समझ रहा है? तेरी क्या कर लोगे तुम? क्या बिगाड़ोगे मेरा? तो सलाम के चैलेंज कर रहा है श्री, इसको कब्जे में ले जाकर फिक्स डिपॉजिट में डालकर। क्या हो रहा है? कंफ्यूजन ड्रामा। मैंने तुझे मेरे पास बैठने को कहा था शरद, बेटा पोजीशन चेंज कर दो। बाहर है। मैंने गोपाल राव को समझा कर भेज दिया है, कोई शुभ दिन देखकर तारीख पक्की कर लेते हैं। क्या बोलते हो दादाजी? ठीक है ठीक है। अरे आप गोपाल गोपाल बोलते हो? शरद कुमार एक मिनट आओ, दादी मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। अरे करे, तेरा सारा तेरे साथ गेम खेल रहा है, उसे तेरे से ज्यादा तेरे फ्रेंड में इंटरेस्ट है। इतनी दूर की भारी भरकम बात अगर सोचोगे तो कंफ्यूजन से निकल लोगे। ठीक है ठीक है। लल्लू क्या है? अरे तुम खुद ही देख लो, ये पेंटिंग किसने बनाई? एमएफ हुसैन ने या रवि वर्मा ने? तुम्हारे साले ने। आपके छोटे भाई ने? अरे नहीं, मैंने। आपने? I can't believe this, amazing, beautiful. देख लिया तुम लोगों ने, शरद बाबू इंजीनियर है और असली आर्ट को समझते हैं। वो सड़क छाप रघु रोकड़ा क्या जाने कि असली आर्ट क्या है। ताले साहब, ये रघु रोकड़ा आदमी है? मनुष्य आदमी नहीं, कटर का ढक्कन है। साहब पैसों के लिए मर्डर करता है, नाली का कीड़ा है, घटिया आदमी है। छी छी छी, पर ऐसे खुशी के मौके पर उस कमीने की बात क्यों करें? मुझे बैंक में खुशखबरी देनी है, तो अब मैं चलता हूँ। जी अच्छा, अपना ख्याल रखें। आपने देखा भाई, दोनों भाई बहन कैसे नाटक करके आपको गालियां दे रहे हैं। ड्रामा स्टार्ट उन्होंने किया है, पर दी एंड करूंगा मैं। शरद कौन और रघु कौन इस चक्कर में डाल के ऐसा घुमा डालूंगा कि उनका हो जाएगा भेजा फ्राई। भाई यार क्या जोक कर रहे हैं ये भी, रघु रोकड़ा भाई ना, सलाम है इसको भाई, क्या बंदा है, मतलब चेंज कर लिया ऐसा कि उसको भी शक नहीं हो रहा, पूरा यकीन हो गया है। दूसरा वो भैंसा पुलिस स्टेशन में था, फोन करा कि यकीन दिला दे, हाँ भाई रघु रोकड़ा इधर था, तो उसको और भी यकीन हो गया। और बड़ा शरीफ बनता है ये, डोर जो है सूट वूट पहन के गेट में घूम रहा है अंदर।
बस उसको पता ही नहीं ये कौन सा होटल है, कहाँ थे हम, अंदर जाकर बैठ गया चश्मा लगा के। यार बड़ा मजा आया। और ये रहा रघु रोकड़ा है, हम सब ने किंग योगा पर भाई किंग चला गया है, और उसके भाई गुंड गुंड अभी तक उसको ढूंढ रहे हैं। किंग किंग जो आता है किंग ठोको भाई इसको। भाई रघु भाई ने जो उनकी भी धुलाई की ना, मजा ही आया यार, क्या सीन है आज तो, बहुत हंस है यार। असली जो शरद भाई ना वो तो परेशान हो गया, वो कहता है भाई अब जब भी आएंगे तुम मेरे घर आओगे, मजा कर दिया इन्होंने ना जबरदस्त। ये रघु भाई ना बड़ा कमाल का भाई, भाई पता नहीं कहाँ गया ना। बाकी यार ये तो आज तो रघु रोकड़ा ने तो मजा दिला दिया, कमाल किया उसकी ने फाइट की, जो हम लोग धोया भाई आज तो। बाकी उसको भी भाई है ना जो उसका उस लड़की आ रही है उसको भी चूना लगा दिया भाई, हमें ही पागल बना दिया भाई। वो दादी है उसको बुढ़े हाथ लगा रही है, और देखो हाँ हाँ मेरा बेटा बड़ा अच्छा है चंगा है। दादी अम्मा गूंगी है।